नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पंवार, मैनेज कैमरा रिपेयरिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। मैंने अपने फोटोग्राफर भाइयों की मदद के लिए एक वीडियो चैनल यूट्यूब पर बनाया है मैनेज कैमरा रिपेयर के नाम से, जिसमें आपको कैमरा संबंधित लगभग सारी जानकारी दी जाएगी। उसी का चैनल का जो पहला लेसन मैं बना रहा हूँ, इसमें कैमरे की सर्विस संबंधित आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ कि कैमरे की हमें सर्विस कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, यह कैसे होती है, इसमें होता क्या है, ये चीजें मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो देखिए, हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वेडिंग के, लगभग सारे गर्मी में होते हैं, और गर्मी में आप जानते हैं कि जो मिट्टी होती है वो बहुत ही बारीक बारीक पाउडर जैसी हो जाती है। उसके बहुत ही बारीक सूक्ष्म कण जो होते हैं वो कैमरे के अंदर धीरे धीरे करके और इंटर होते हैं, जैसे प्रोसेशन के टाइम पे, रिसेप्शन के टाइम पे, या महिला संगीत या गंगा माता पूजन में जो हमारे कैमरे लगते हैं, तो उनमें जो धूल मिट्टी उड़ती है वो धीरे धीरे करके मेमोरी कार्ड के हिस्से, बैटरी चैम्बर के यहाँ से, यूएसबी पोर्ट के यहाँ से, सॉकेट्स के यहाँ से, फ्लश के यहाँ से अंदर कैमरे में जाते हैं। और उसके बाद आता है बारिश का मौसम। अब बारिश का मौसम गीला होता है, नमी वाला होता है। इस मौसम में आपने देखा होगा एक बार कि अलमारियों में रखे हुए कपड़े भी गीले हो जाते हैं, नम हो जाते हैं वो। और आपने आप ये भी जानते होंगे कि पानी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, तो जैसे ही जब वो कैमरे के अंदर की मिट्टी पानी के संपर्क में, नमी के संपर्क में आती है, मॉइस्चर के संपर्क में आती है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और बोर्ड में फॉल्ट होता है। बोर्ड में फॉल्ट होने से आपका बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो काम थोड़े से में होना चाहिए वो बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसमें, और बड़ी समस्या बनती है। तो इससे बचने के लिए हमें हमारे कैमरों की सर्विस हो सके तो बारिश के पहले, आपके जो ऑर्डर्स हमारे वेडिंग के खत्म होते हैं उनके पहले हम अपने कैमरों को सर्विस करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बात और, कि सर्विस में क्या होता है। देखिए, सर्विस में ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैमरा रखा है, ये कैनन का 7D कैमरा है और ये सर्विस के लिए आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली फॉर सर्विस के लिए आया है। सर्विस में आप देखिए, इस कंडीशन तक ये खुलता है कैमरा, इसमें इसका जो सबसे नीचे का एक पार्ट है बैटरी वाला, ये खुला है, दूसरा इसका आगे का फ्रंट पार्ट खुला है, तीसरा है इसका ऊपर का टॉप, और चौथा इसका ये डिस्प्ले वाला हिस्सा। ये चार प्रायर से खुलते हैं, उसके बाद आती है बोर्ड की बारी, ये होता है पीछे मेन बोर्ड, फ्लश बोर्ड। ये सारी चीजें अच्छे से क्लीन होती है, ड्राई क्लीन होती है, ब्रशिंग होती है अंदर, और जहां पे ऑयल या ग्रीस का उपयोग होता है वहां पे ऑयल ग्रीस लगता है। कैमरे को हीट करते हैं ताकि उससे उसकी सारी लगभग नमी जो है वह निकल जाए। उसके बाद पूरे क्लियर कैमरे को एज इट इज पैक करते हैं, पैक करके और बॉडी वॉश करके सबसे लास्ट में। उसके बाद फिर इमेज सेंसर क्लीन होता है इसका, मिरर और फोकस मिरर, ये सारी चीजें क्लीन करके दे देते हैं आपको, तो उससे आपका कैमरा ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, उसमें कोई लंबे समय तक बड़ी समस्या नहीं बनती है, जैसे अचानक से बोर्ड का खराब हो जाना या इस टाइप की जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। तो बिल्कुल आप मेरे हिसाब से कैमरे की सर्विस समय समय पर करवाएं। आपको अगर ये मेरा वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के बाद लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।